सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आईफोन 16 प्रो, और इस वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इस एक्साइटमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं। ऑर्डर किया है वो ब्लैक कलर मैंने मंगाया है, क्योंकि उस टाइम पे जो अवेलेबल था वही मैंने सोचा जो मिल रहा वही ले लूँ, क्योंकि डेजर्ट टाइटेनियम में लेना चाहता था बट वो अवेलेबल नहीं था, तो ब्लैक कलर मैंने मंगाया है। तो बॉक्स करते हैं अपने आईफोन 16 प्रो को। तो गाइस, वक्त आ गया अब आईफोन 16 प्रो को अनबॉक्स करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। सो आई नो आपको बॉक्स देखने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 16 प्रो को देख लेते हैं। ये एक ब्लैक कलर है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड दिखने में ये आप अगर इसको बैक से देखोगे तो आपको ये एग्जैक्टली एकदम 14 प्रो की याद दिलाएगा, और 15 प्रो की तरह भी दिख रहा है, एंड 16 प्रो है ये। जबकि तो पीछे से 15 प्रो एंड 16 प्रो और 15 प्रो 14 प्रो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ब्लैक कलर की मैं बात करूँ। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। बाकी अब फ़ोन को बॉक्स में से निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड अभी इसको साइड में रख देते हैं। तो बॉक्स देख लेते हैं। तो डब्बा आप देखोगे तो पिछली बार से भी ज़्यादा इसको पतला कर दिया है, पता नहीं एप्पल क्या चाह रहा है, और पेपर भी इसके कम कर दिए हैं, एंड अब ये देखोगे कितना स्लिम सा बॉक्स कर दिया है, पहले इसे भी पतला कर दिया है। और उसका रीज़न ये है कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, एंड ये जो केबल है चार्जर, हर बार की तरह इस बार भी चार्जर एप्पल ने नहीं दिया है, एंड ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है, एंड ये कुछ कागजी कार्रवाई, ये आप देख रहे हो, यही रीज़न है क्योंकि एप्पल ने जो है कागज़ पेपर्स भी कम कर दिए हैं, एंड एप्पल स्टिकर ही नहीं है इस बार। तो डब्बे को पतला रखने का रीज़न यही है क्योंकि पेपर वर्क बहुत कम कर दिया है, एंड एनवायरनमेंट के नाम पे एप्पल जो है चीज़ों को कम करता जा रहा है, ये चीज़ हमें समझ आ चुकी है, एंड ये पिन है और कुछ नहीं है बस। सो हम इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब ले आते हैं अपने आईफोन को। तो बैक से मैंने आपको लुक दिखाई दी है, और बैक से आप देखोगे तो बिल्कुल 14 प्रो और 15 प्रो की तरह लग रहा है, अगर हम उसके ब्लैक कलर की बात करें, ठीक है, एंड साइड्स में मैं दिखाऊँ आपको तो ये 15 प्रो की तरह पावर बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है, एंड ये वॉल्यूम के, सो आप देखोगे 15 की तरह हमें यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, एंड ये वॉल्यूम कीज़ हैं, एंड ये सिम ट्रे, एंड ये ऊपर से लुक, और ये हमारा 16 प्रो। एंड गाइस आई एम सॉरी, मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूँ। सो एंड ये जो नया फीचर आया 16 प्रो में, ये कैमरा बटन, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सो बेसिकली पहले फ़ोन को देख लेते हैं, और आपको फ़ोन का पहला लुक देखते हैं आपको डिफरेंस दिख रहा होगा थोड़ा बहुत मिनिमम सा, कि बेजल्स आप देखो दिख रहे होंगे कि कितने पतले हो चुके हैं अब, ठीक है। और 15 प्रो की बात करें तो 15 प्रो में ही कम बेजल थे, एंड 16 प्रो में तो ना के बराबर एकदम बेजल हो गए हैं। अब इसको फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं, लॉक पासवर्ड अनलॉक कर लेते हैं, एंड भाई फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है चलाने का वो एक बहुत औसम है, मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको फास्ट है, क्योंकि इसमें A18 प्रो है, समझ रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो 15 प्रो में A17 प्रो चिप आई थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, एंड गेमिंग वगैरह में भी सही था, थोड़ा हीट करता था, बट ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें है A18 प्रो, यानी A17 प्रो से भी ऊपर, और लुक बहुत गजब आ रही है, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कमाल का है क्योंकि बेजललेस डिस्प्ले हो चुकी है ऑलमोस्ट। बाकी ऐसा कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अभी हम इसका कैमरा वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया, एंड कैमरा में देखते हैं एप्पल ने क्या। तो बेसिकली अगर कैमरे की बात करें तो इस बार जो है आप 4K 120 FPS में शूट कर सकेंगे वीडियो को, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4K 120 FPS, एंड ये फ्लिकरिंग जो हो रही है वो लाइट की वजह से हो रही है, ठीक है। इसकी कैमरे की और वीडियो की हम कैमरे की और वीडियो क्वालिटी की वीडियो हम अलग से मैं बनाने की सोच रहा हूँ, सो उसमें डिस्कस करेंगे कैमरे वीडियो के बारे में, ठीक है।
तो अभी मैं आपको फीचर बता देता हूँ। एंड स्लोमो में ये है कि स्लोमो भी आप 4K 120 FPS में शूट कर पाओगे, जो कि इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बस 19-20 का आप कह सकते हो कि फ़र्क आपको दिखेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इस कैमरा बटन की बात करें तो ये इतना मतलब यूज़फुल नहीं लगा, मतलब इतना है, मतलब क्या ही ज़रूरत है इसकी जब आप पावर बटन से भी ये सेम चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ पावर बटन से भी हो सकती है। एंड इसको देखो, इसको दबाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे देख रहे हो कैसे थंब को जो है ऐसे नीचे लेके आना पड़ रहा है। एंड बेसिकली आपको फ़ोटो जो है, एंड ये जो है ये बेसिकली लैंडस्केप में फ़ोटोग्राफी करने के लिए है। एंड मोस्टली आपको पिक्चर क्लिक करनी होगी हॉरिजॉन्टल वे में ही। गाइस, आईफोन 16 प्रो का जो वेट है वो है अराउंड 200 ग्राम, एग्जैक्टली बताऊँ तो 199 ग्राम। एंड आईफोन 15 प्रो का जो वेट था वो था 187 ग्राम। तो उसका बेसिकली वेट में जो डिफरेंस आया है, दोनों ही टाइटेनियम से बने हुए हैं, और वेट में जो डिफरेंस आया उसका वजह है कि आईफोन 16 प्रो की जो लेंथ है उसको एप्पल ने इंक्रीज किया है, सो दैट्स वाई जो वेट में इतना डिफरेंस आया है, इसी वजह से आया। अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरा बटन की, जिसको एप्पल अपने इवेंट में एक हवा बना के लेके आया था कि क्या ही अलग चीज़ बना दी हो भाई, नेक्स्ट लेवल ही। तो अब देखते हैं कि क्या ये इतना यूज़फुल है या नहीं है, एंड ज़रूरी है या नहीं है, क्या इसका एक अल्टरनेट भी हो सकता था, तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये हमारा फ़ोन है, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये बटन देखो आप यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर मुझे ये बटन को प्रेस करना है तो मुझे अपने थंब को ना एकदम ऐसे लेके आना पड़ेगा, जिससे चांसेस है कि आपको फ़ोन गिर भी सकता है, सच बोल रहा हूँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। एंड ये थंब को आपको ऐसे लेके आना पड़ेगा जब इसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब ये क्लिक होगा, और ज़रूरी थोड़ी है कि आप इससे अच्छा कम्फर्टेबल, तो मुझे ऐसे फ़ोटो क्लिक करने में लग रहा है ना कि ऐसे, बल्कि ये रिस्की है। और अगर आपको ऐसे क्लिक करनी है पिक्चर, तो उसके लिए भी आपको ऐसे क्लिक करना है, देन ये जूम का है, एंड ये आप इसे अल्ट्रा वाइड कर सकते हो, एंड ये जूम कर सकते हो। सो बेसिकली ये इसके फीचर है, ठीक है, ये है बस, और कुछ नहीं है ये हुआ। एंड इसका अल्टरनेट एप्पल ने ऑलरेडी दे रखा है, जब एक्शन बटन है, जब सेम चीज़ एक्शन बटन से हो सकती, अलग कैमरा बटन की क्या ज़रूरत थी, जबकि हमें फ़ोटो मोस्टली जो है हॉरिजॉन्टल वे में ही क्लिक करनी है, आप समझ रहे हो। एंड और क्या ही बताऊँ, एंड इसकी वजह से फालतू में आपके कवर में ना एक एक्स्ट्रा कट ही बन गया है बेसिकली, एक तरीके से, और कुछ नहीं, और बस यही है। सो गाइस, बेसिकली इफ आईफोन 16 प्रो में जो डिफरेंस है मेजरली, वो मैं आपको बताऊं तो 4K 120 FPS एंड कैमरा बटन जो यूजलेस है, एंड 4K 120 FPS भी इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं करता है। एंड थर्ड चीज़ हो गई कि बेजल कम है, हाँ 15 प्रो में भी कम है बेजल, लेकिन 16 प्रो में थोड़े और कम हो गए, जिससे डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। एंड फोर्थ डिफरेंस ये है कि इसमें A18 प्रो है, जो A17 प्रो से भी ज़्यादा फास्ट है, वो आपको फील होगा जब आप फोन को यूज़ करोगे। एंड फिफ्थ ये आप ये कह सकते हो कि एक नया कलर आया है, डेजर्ट टाइटेनियम, सो ये एक चीज बोल सकते हो 15 प्रो से, क्योंकि 15 प्रो में डेजर्ट टाइटेनियम भी है। सो बेसिकली ये पांच मेजर ऐसे चेंजेस हैं जो आईफोन 15 प्रो से 16 प्रो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ये पांच चेंजेस जो हैं वो बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे, मतलब यूज़फुल होंगे या नहीं होंगे, सो ये आपके ऊपर है, बाकी कुछ सेंस है नहीं, क्योंकि आईफोन 15 प्रो 1,10,000 का है, एंड 16 प्रो 1,30,000
30,000 का। तो आपको देखना है कि ये चीज़ पांच चीज़ें अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप 20,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो या नहीं। अगर जो बटन कैमरा का बटन जो कैमरा बटन है आज का 16 प्रो का, उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जब एक्शन बटन ऑलरेडी है तो उसकी क्या ज़रूरत होती है। एंड वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब हमको ज़्यादातर जो फोटोज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में ही क्लिक करनी है, तो हम लैंडस्केप में ज़्यादा वीडियो नहीं कर सकते। एंड हॉरिजॉन्टल में भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अंगूठे थंब को ऐसे नीचे लेके जाना पड़ता है। सो ऐसा कुछ ये तो बस एक ऐड करना था, उनको भी कर दिया कुछ अलग दिखाने के लिए, बस ऐसे ही ऐड कर दिया। बाकी इतना यूज़फुल नहीं है वो कैमरा बटन, उसको इग्नोर ही करना। बाकी डिस्प्ले में थोड़े बेजल कम है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा कर दिया हो। बाकी आप देखो, आपको अगर वीडियो समझ आती है वीडियो के हिसाब से, अगर आपको जाना चाहते हो 15 प्रो पे या 16 प्रो पे, तो आप देखो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 13 प्रो के यूज़र हो, 13 सीरीज़ पे हो या उससे नीचे हो, तब आप जाओ, वरना कोई सेंस नहीं है। क्योंकि डायनेमिक आइलैंड आपको 15 प्रो में भी मिल रहा है, 14 प्रो में भी मिल रहा है, तीनों ही एकदम फ्लैगशिप फ़ोन है एंड सिमिलर। एंड अगर मैं आपको 16 प्रो और 14 प्रो बैक से दिखाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सा 15 प्रो है और कौन सा 14 प्रो, तो बैक से एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट। और कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में भी चेंजेस किए हैं एप्पल ने, ऑब्वियसली जब वो एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं तो कैमरे में ऑब्वियसली चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत, तो कैमरे में उन्होंने चेंजेस करे हैं। एंड मैंने आपको बताया 4K वगैरह 120 FPS। ये सीरीज और ये वाला जो लेंस है ना, ये कुछ इसमें अलग ही, मतलब थोड़ा DSLR की तरफ मुझे अलग ही दिख रहा है, यही मेजर डिफरेंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और भी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ आएंगी iPhone 15 की, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।